नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है और अब खबरों को देखते हैं विस्तार। भरतपुर जिले की पहाड़ी थाना क्षेत्र के गांव मुंगस्कार में हुआ खूनी संघर्ष, जिसमें व्यक्ति की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई और 6 व्यक्तियों को भी गोली के छर्रे लगने से घायल हो गए, जिन्हें कामा के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का कामा अस्पताल में इलाज जारी है, भरतपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार एक हफ्ते पहले दूसरे पक्ष के लोगों ने निर्माण सामग्री से भरा ट्रैक्टर जबरदस्ती छीन लिया और उसमें अवैध खनन सामग्री भरकर पुलिस को पकड़वा दिया था। जानकारी के अनुसार करीब 2 दर्जन के आसपास हथियार लेकर आए और अंधाधुन फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके आधा दर्जन लोग बंदूक की गोलियों से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से काम अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और घायलों का इलाज काम अस्पताल में जारी है। सूचना पर कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। कामा तहसील की ग्राम पंचायत सोनोखर के गांव दानदेरा में गत दिनों से चल रहा सीसी रोड निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीण में बना भारी आक्रोश का माहौल, सरपंच सहित सेक्रेटरी जेई को मामले में लुप्त बताया। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण के कार्य में घटिया सामग्री लगाए बनी नई सड़क अभी से जगह जगह क्षतिग्रस्त होने लगी है। बस सड़क निर्माण की सामग्री सरपंच की दबंगाई के कारण निजी घरों में भी लगाई जा रही है। मिट्टी डाली जानी थी, लेकिन सरपंच व ठेकेदार ने कोई जगह मिट्टी नहीं डाली, जिस कारण सड़क के दोनों ओर गड्ढे रह गए। सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण कार्य होना था, जो अभी तक नहीं हो पाया। गांव में रोड बन रहा है जो घटिया सामग्री लग रही है जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के तहत नालियां और रोड दोनों स्वीकृत है, जो कि सचिव और बीडीओ अवगत करा दिए गए, फिर भी नालियां नहीं बन रही है रोड पे, और नालियां बिल्कुल नहीं बनाई जा रही पानी की। मुख्य समस्या पानी निकलने की है, जो ग्राम में पानी भरने से ग्रामीणों को परेशानी होती है, और रोड सही नहीं बन रहा है, मिलावटी बढ़िया सामग्री नहीं है रोड में। मेरी समस्या यह है कि मेरी तरफ तो नाली बनवा दी और बना रखी है, लेकिन उधर की साइड की नाली जो कि पटवारी का मकान है, थोड़ी सी जगह उधर की साइड से कोई नाली नहीं, फिर आगे मेरी दीवार है, जो कि मेरी दीवार खराब हो रही है, बिल्कुल नहीं है साहब। मैं तो नहीं हूँ, ग्रामीण होंगे तो। चुनाव आयोग के निर्देश और कलेक्टर के आदेश के पालन में RTO द्वारा इन दोनों 4 पहिया वाहनों की नंबर प्लेटों की चेकिंग की जा रही है, और जिन नंबर प्लेटों पर किसी पार्टी, संस्थान या पद का स्लोगन लिखा मिल रहा है, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। कार्रवाई चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार यहाँ कार्रवाई चल रही है नंबर प्लेट पर। अभी हमने 3 बसें भी चेक की हैं इस कार्रवाई के लिए, और बाकी चल रही है, अभी कार्रवाई की शुरुआत है, आगे कार्रवाई होगी। कम से कम 8-10 गाड़ियाँ चेक हो चुकी हैं नंबर प्लेट, और 3-4 गाड़ियों के चालान भर चुके हैं उनके लिए। जैसे जिस गाड़ी पर जो कागज़ नहीं होगा, जो पेपर नहीं होगा, उसके अनुसार उस पर जो बनता है चालान, वो चालान काटा जाएगा। बिल्कुल जब्त भी की जाएंगी गाड़ी, अगर ज़्यादा परमिट नहीं होगा किसी गाड़ी पे, अगर कोई कमर्शियल व्हीकल निकलता है उस पर नहीं है अगर परमिट और फिटनेस नहीं है, तो हम उस पर चालानी का वो जब्ती कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल डेली विरोध की स्थिति पैदा हो रही है, डेली विवाद की स्थिति पैदा हो रही है बिल्कुल, लेकिन कार्रवाई जारी है और जारी रहेगी। पुलवामा हमले के बाद जहाँ देशवासी आक्रोश में है और आतंक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, वहीं शहर के नामचीन डॉक्टर को जम्मू कश्मीर के बारामूला से धमकी भरा पत्र आया है। पत्र में लिखा है कि अपने कदम वापस खींच लो, नहीं तो वापस नहीं लौट पाओगे। इस पत्र की भाषा उर्दू है और इसमें भेजने वाले का नाम फारूक अहमद, निवासी जम्मू कश्मीर बारामूला है। डॉक्टर की शिकायत पर झांसी रोड थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। शहर के बसंत बिहार स्थित सहारा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह भल्ला को यह पत्र प्राप्त हुआ, जो उर्दू भाषा में है, जिसका अनुवाद डॉक्टर द्वारा जब कराया गया तो वह दहशत में आ गए।
पत्र मिलने के बाद से डॉक्टर भल्ला का परिवार दहशत में है। डॉक्टर भल्ला द्वारा इसकी शिकायत झांसी रोड थाने में की गई है। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। झांसी रोड थाना प्रभारी के अनुसार डॉक्टर भल्ला द्वारा प्राप्त हुई धमकी भरे पत्र के कुछ हिस्से का ही अनुवाद करवाया गया है। ऐसे में पुलिस द्वारा पूरे पत्र को ट्रांसलेट करवाया जाएगा, जिससे जांच में आसानी होगी और अपराधी को पकड़ने में भी सहूलियत होगी। डॉक्टर अमरजीत भल्ला को जम्मू कश्मीर के बारामूला से साजिद एम बांडे द्वारा एक नोटिस भेजा गया है, जिसके चलते उन्हें 25 फरवरी को बारामूला जाना है। झांसी रोड थाना पुलिस इस पूरे मामले की बिहार से जांच में जुड़ चुकी है। ये लिखित में शिकायत करी है, डॉक्टर एसएस भल्ला हैं, बसंत विहार में हॉस्पिटल, सारा हॉस्पिटल। तो उन्होंने लिखित में कोई बताया कि फारूक अहमद ने कोई उनको लेटर भेजा है बारामूला से कि बेटा अपने कदम वापस ले रहो वरना वापस नहीं जाओगे। तो उन्होंने लिखित में आवेदन दिया है, वो लेटर भी है, उर्दू भाषा में कोई लेटर है। तो उस पर से हमने अभी 387/506 की कायमी की है, अब जांच करवाते हैं इसमें। नहीं, हमारे जो विवेचक द्वारा स्टेटमेंट लिए गए हैं डॉक्टर साहब के, तो डॉक्टर साहब ने किसी भी आतंकवादी संगठन का होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मेरा विवाद साजिद बरांडे अपशिक दस्त से चल रहा है और उन्होंने कोई मानहानि की नोटिस उनको आया हुआ है, तो उस नोटिस के 25 तारीख को उनको जाना है बारामूला। तो बता रहे हैं कि मेरा साजिद बरांडे से चूँकि विवाद है, तो ये कहीं ना कहीं साजिद बरांडे ने कि उन्होंने भिजवाया होगा, ऐसा उनको डाउट है। तो अब वहाँ अपनी टीम भेज के दिखवाते हैं क्या है। हाँ, दोनों फिल्मों पर जांच की जा रही है और अब वहाँ टीम रवाना करके दिखवाते हैं। हैंड राइटिंग जो प्राप्त हुई है उसका अपन अभी ट्रांसलेट करवाते हैं, फिर देखते हैं क्या है। ग्वालियर जिला न्यायालय की विशेष कोर्ट ने जिले के डबरा थाना प्रभारी और उनके अधीनस्थ एक जाँच अधिकारी के खिलाफ नोटिस देकर उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने को निर्देश दिए हैं। एक दलित उत्पीड़न और जानलेवा हमले के आरोपी के खिलाफ नियमानुसार 60 दिनों के भीतर चालान पेश नहीं करने और कोर्ट के बार बार निर्देश के बावजूद केस डायरी चालान और रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई है। खास बात यह है कि आरोपी गिरिराज भार्गव 10 अक्टूबर से जेल में बंद है। उसे 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन डबरा पुलिस दलित उत्पीड़न और गोली चलाने जैसे गंभीर मामले में भी चालान पेश नहीं कर सकी। यदि कोर्ट थाना प्रभारी और जांच अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो पुलिस अफसरों के खिलाफ कोर्ट 1 साल के कारावास की सजा भी उन्हें सुना सकता है। डबरा इलाके में करीब 4 महीने पहले एक दलित व्यक्ति पर गोली चलाने की घटना हुई थी, जिस पर डबरा पुलिस ने धारा 308 मारपीट धमकी और दलित उत्पीड़न की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में 2 महीने के भीतर चालान कोर्ट में केस डायरी के साथ पेश किया जाना था, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद पुलिस चालान पेश नहीं कर सकी। इसे कोर्ट ने गंभीर लापरवाही माना। खास बात यह है कि आरोपी गिरिराज भार्गव ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगा दी है, जिसमें उसे राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। नोटिस डबरा थाने का अंतर्गत मामला है ये 308/323 हरिजन एक्ट में। आरोपी जो है अक्टूबर 2018 से जेल में है और चालान पेश अभी तक डबरा TI द्वारा पेश नहीं किया गया, जबकि उपरोक्त मामलों में 60 दिन के अंदर चालान पेश करना चाहिए। 60 दिन के अंदर चालान न पेश होने के कारण कोर्ट ने इस बात को संज्ञान लेते हुए TI डबरा को नोटिस जारी किया है कि आप कारण बताएं कि आपने अभी तक क्यों नहीं पेश किया, जो नगर उसका उपयुक्त कारण बताएं। ग्वालियर के पड़ाव स्थित मोदी हाउस में BJP जनकल्याण प्रकोष्ठ की एक बैठक आयोजित की गई। ये बैठक 25 फरवरी को ग्वालियर मेले में संसदीय सम्मेलन रूपरेखा तैयार करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संगठन मंत्री, जिला अध्यक्ष एवं प्रकोष्ठ के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी महानगर ग्वालियर द्वारा 25 फरवरी को मतदान केंद्र का एक संसदीय सम्मेलन संस्कृति गार्डन में होने जा रहा है मेले में, उसके लेकर आज भारतीय जनता पार्टी जल कल्याण प्रकोष्ठ की बैठक यहाँ आहूत की गई है मोदी हाउस में। इस बैठक में हमारे संभागीय संगठन मंत्री आदरणीय शैलेंद्र बरुआ जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय देवेश शर्मा जी का हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और हमारे भाजपा जल कल्याण प्रकोष्ठ को ये जिम्मेदारी मिली है कि पूरे जिले से हर मतदान केंद्रों से उस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को ले जाना है और अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे। और चुनाव का समय है, चूँकि चुनाव में हम सबको कूदना है, तो इस वजह से
पूरा माहौल बनाना है और फिर से दोबारा से मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है, इसके लिए एक माहौल तैयार करना है, कार्यकर्ताओं को तैयार करना है, कार्यकर्ताओं को घर से निकालना है और मतदान केंद्र से कार्यकर्ताओं को निकालना है और संसदीय जो हमारा सम्मेलन होने वाला है उसको का सफल आयोजन हो, इसको लेकर यहाँ बैठक आयोजित की गई। ग्वालियर चंबल में मौसम के बदलाव के कारण स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। शहर के लालक बाजार में रहने वाली महिला जो दिल्ली में भर्ती थी, इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि लालका बाजार में रहने वाले विनोद नारंग की पत्नी पूजा नारंग, जो कि 39 साल की थी, जिनको ग्वालियर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, कुछ दिन पूर्व उन्हें डॉक्टर ने दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। दो दिन दिल्ली में भर्ती रहने के बाद डॉक्टरों ने रिपोर्ट के आधार पर मरीज को स्वाइन फ्लू से पीड़ित होने की जानकारी दी। वहीं 19 फरवरी मंगलवार की रात दिल्ली के अस्पताल में स्वाइन फ्लू से पीड़ित पूजा की मौत हो गई। स्वाइन फ्लू हुआ है, पहले यहाँ पर कल्याण में भर्ती कराया, कल्याण में राजीव गुप्ता के थ्रू, सूर्य क्लिनिक राजीव गुप्ता के थ्रू उनको एडमिट कराया, उन्हें कल्याण में भर्ती कराया। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट चला, वहाँ पर भी हालत दिन बर दिन बिगड़ती गई, तो तीसरे दिन चौथे दिन की सुबह उन्होंने बोल दिया कि आप इनको दिल्ली ले जाए, हमसे नहीं हो पा रहा, तो फिर उनको दिल्ली ले गए। दिल्ली में हम रात को पहुँचे, रात को ही इनको बिना इनके लक्षण देख के इनका ट्रीटमेंट चालू हो गया स्वाइन फ्लू का, लक्षण देख के। फिर जांच कराई तो जांच में भी स्वाइन फ्लू ही आया। फिर वहाँ पर एक दो दिन वहाँ पर रहीं, वो सही रहीं, मतलब ना बेहतर हो रही थी ना कम हो रही थी, एक दो दिन उनका ऐसा इलाज चला। फिर उसके बाद हमारे जो 12-15 दिन हमारे, फिर वो धीरे 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 गिरती चली गई, वो उनका मतलब पहले लीवर चला गया, फिर किडनी चली गई, सब डैमेज होता चला गया धीरे धीरे। सीएमओ की बिल्कुल उनकी पूरी पूरी लापरवाही है कि यहाँ पर ट्रीटमेंट मतलब है नहीं उसका अच्छे से, और उससे हमने रिपोर्ट करा उसको कि यहाँ पर हम लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, कि एक तो भुगत रहा है और ना भुगतें, तो उसके लिए हमने प्रोटेक्शन के लिए उनसे गुहार लगाई कि आप थोड़ा उनके, तो उनने हाथ खड़े कर दिए बिल्कुल कि नहीं। अब हमें दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए खबर लाइव के साथ।